ओके स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ये जो नंबर्स हैं इनको हमें किसमें लिखना है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। ठीक है, अभी तक हमने हिंदू अरेबिक को रोमन में कन्वर्ट किया, अब रोमन को हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करेंगे, ये तो और भी ज्यादा ईजी है। अब देखो एक्स आई वी पहला है, तो एक्स की वैल्यू आपको ही पता है 10, आई की वैल्यू क्या है 1 और वी की वैल्यू 5। अब देखो दो बड़े के बीच में एक छोटा है, इसका मतलब क्या, पहले इसका सब्ट्रैक्शन होगा फिर बड़े वाले में एडिशन होगा, राइट। तो चलो इसका मतलब x प्लस आई वी, तो x मतलब 10 और आई वी मतलब 5 माइनस 1 जो कि है 4, सो 10 प्लस 4 14। अब यहाँ पे देखो x x आई x, तो x x आई x मीन्स डबल x है, डबल x मीन्स 20 है ना, तो 20 10 प्लस 10 20 और ix मतलब देखो यहाँ पे दो बड़े के बीच में एक छोटा, मतलब सबसे पहले सब्ट्रैक्शन होगा फिर बड़े वाले में एडिशन होगा, मतलब 10 माइनस 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 9 29। नेक्स्ट xlix, अब xlix है, अब यहाँ पे देखो x क्या है 10, l है 50, बड़ा है मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, छोटा वाला पहले आया तो मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो इसका xl आएगा प्लस फिर ix होगा, तो मतलब 50 माइनस 10 है ना, 50 माइनस 10 और प्लस 10 माइनस 1 राइट, तो 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49। अब इधर देखो नेक्स्ट cl, c आपको पता ही है 100, l आपको पता ही है 50, तो सिंपल 100 प्लस 50 क्यों, क्योंकि बड़ा है फिर छोटा आया, सिंपल एडिशन है 150। नाउ डबल c xl ix, डबल c xl ix आपको पता ही है 100 प्लस 100 200 राइट, फिर x है फिर l है फिर i है फिर x है। अब देखो स्टूडेंट्स c है बड़ा, उसके बाद x आया छोटा, फिर l बड़ा, इसका मतलब दो बड़े के बीच में एक छोटा, इसका मतलब पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा फिर ये सब्ट्रैक्ट होके इसमें ऐड होगा राइट, तो xl, xl में x जो है 10, l की वैल्यू 50, तो 50 माइनस 10 राइट, और ix आपको पता ही है फिर से 10 माइनस 1 राइट, सो 200 यहाँ से आएगा 40 और यहाँ से आएगा 9 राइट 249। नेक्स्ट cdl, अब आपको पता ही है c क्या है, C है आपका 100, D क्या है, D है 500, L है 50। अब देखो छोटा फिर बड़ा, पहले छोटा आया फिर बड़ा, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन, तो इसका सब्ट्रैक्शन करो 500 माइनस 100, CD का मतलब और L का मतलब आपको पता ही है 50, तो 400 प्लस 50 450। नाउ DCLXV, तो DCLXV है तो DC प्लस LX प्लस V राइट, तो DC आपको पता ही है 500 प्लस 100, LX 50 प्लस 10 राइट, और यहाँ पे V, V, एक सेकेंड स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो L X V है, ठीक है, नहीं सही है सही है, V क्या है, V का मतलब तो 5 ही है, ठीक है, सो 50 प्लस 10 तो सिंपल एडिशन है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, आई थॉट इट्स वो मुझे 50 याद आया, ओके यस चलो, तो यहाँ पे क्या होगा 500 प्लस 100 600, 50 प्लस 10 60 और ये 5 तो ऐड करो तो क्या आएगा 665 राइट। नेक्स्ट सी एम एक्स 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 आई एक्स, तो मतलब सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ही जानते हो ये एम की वैल्यू होती है 1000, सी की वैल्यू होती है 100, तो पहले छोटा आया है फिर बड़ा, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन, तो 1000 माइनस 100, ट्रिपल एक्स की वैल्यू आपको पता ही है 10 प्लस 10 प्लस 10 है ना 30 और आई एक्स मीन्स 10 माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे इससे आएगा 900, इससे आ जाएगा 30 और इससे आ जाएगा 9, ऐड कर दो 939 ईजी राइट। अब देखो एड द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एंड राइट द नंबर इन रोमन नंबर, ठीक है, इनको क्या करना है, ऐड करके इनका करस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल लिखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी हो ही नहीं सकता कुछ, बस आपको एक दो रूल ध्यान में रखने हैं बस। तो देखो v प्लस आई 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 सिंपल है, एडिशन ही है, तो एडिशन में क्या होगा, साथ में लगा दो v i i। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स प्लस आई एक्स है राइट, अब एक्स एक्स प्लस आई एक्स यहाँ पे भी आप सिंपल लगा दो क्योंकि 20 प्लस 9 ही तो हो रहा है 29, ऐसे ही लिखते हैं, फिर क्या है एक्स 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 प्लस एक्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना साथ में लगाओगे तो 4 टाइम्स x नॉट पॉसिबल है ना, सिर्फ 3 टाइम्स अलाउड है, तो हमें लिखना क्या है, एक्चुअली में आएगा क्या 30 प्लस 10 राइट, हमें चाहिए क्या 40, तो 40 कैसे लिख सकते हो 50 माइनस 10, तो 50 माइनस 10 के लिए 50 की वैल्यू l और 10 की वैल्यू x, तो यहाँ पे x आगे आएगा क्योंकि माइनस करना है बड़े में से छोटा, तो एल एक्स, ओके क्लियर। सो स्टूडेंट्स चलो अभी मैं कुछ एक्सरसाइज 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं, बाकी जो मैंने टिक किए वो होंगे आपके होमवर्क क्वेश्चन, ओके यस चलिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्यूशन 1 का हमने यहाँ पे ए से लेके क्यू तक के कुछ पार्ट्स करें, ठीक है चलो करते हैं, तो 16 है, 16 कैसे लिख सकते हो 10 प्लस 6 है ना, 10 प्लस 6, अब देखो 10 प्लस 6 कैसे लिखोगे, x प्लस 5 प्लस 1 तो मतलब v
है ना, और फिर क्या आएगा i, है ना, x 10 प्लस 5 प्लस 1 राइट 16। नाउ 47, 47 कैसे लिखोगे, देखो 40 प्लस 7 मतलब 50 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 2 राइट। तो 50 माइनस 10 कैसे लिखोगे, सबसे पहले 50 का सिंबल जो कि है हमारा L, इसमें से 10 माइनस होगा मतलब X पहले आएगा, फिर प्लस 5 प्लस 2 मतलब B और I राइट। चलो नेक्स्ट 53, तो 50 प्लस 3, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता राइट। तो 50 का सिंबल हमारा L और 3 आपको पता ही है I। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 149 मीन्स 100 प्लस 40 प्लस 9 राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 100 के लिए हम क्या लिखेंगे आपको भी पता है C, और 40 कैसे लिखते हैं अब भी हमने लिखा था मतलब 50 माइनस 10, तो 50 क्या है L और उसमें से 10 माइनस मतलब X पहले आएगा, और फिर 9 आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, 10 माइनस 1 मतलब X माइनस 1 मतलब x पहले x आएगा उसके पहले i, तो सी एक्स एल आई एक्स राइट। नेक्स्ट 599 मीन्स, सो ये कैसे लिखोगे, 500 प्लस 90 प्लस 9 राइट। तो 500 तो चलो एज इट इज, 90 कैसे लिखोगे, 100 माइनस 10 प्लस 9 राइट। तो 500 की वैल्यू क्या होती है, 500 की जो वैल्यू है वो डी के इक्वल होती है, फिर 100 माइनस 10 तो 100 क्या होता है सी, अब उसमें से 10 माइनस करना है तो एक्स माइनस करेंगे तो एक्स आगे आएगा राइट, और प्लस 9 आपको पता ही है 10 माइनस 1 मतलब एक्स माइनस 1, तो डी एक्स सी आई एक्स राइट। चलो नेक्स्ट 770, तो 770 मीन्स 500 प्लस 100 प्लस 100 है ना मतलब 200 प्लस 50 प्लस 20 राइट। तो बहुत इजी है, चलो 500 की वैल्यू क्या होती है डी, देन 100 प्लस 100 मींस 2 टाइम्स सी राइट, फिर 50 है 50 की वैल्यू क्या होती है एल राइट, और फिर 20 आपको पता ही है एक बार एक्स तो 10 तो दो बार ही एक्स तो 20 राइट, डी डबल सी एल डबल एक्स। नेक्स्ट 1214 मीन्स 1000 प्लस 200 मीन्स 100 प्लस 100 प्लस 14 मीन्स 10 प्लस 4 राइट, 4 मतलब 5 माइनस 1, चलो 1000 लिखो, 1000 मीन्स m, फिर क्या है 100 प्लस 100 मीन्स एक बारी सी तो 100 दो बारी सी तो 200 प्लस 10 की वैल्यू क्या है x, और प्लस 4 आपको पता ही है 5 माइनस 1 मतलब v माइनस i होगा तो i पहले। सो स्टूडेंट्स क्लियर, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स जिस पे मैंने टिक किया है वही क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क क्वेश्चंस, ओके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस होगा होमवर्क, ओके नेक्स्ट क्लास में हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, अच्छे से आप करिएगा ओके, और पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। एंड इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज रिगार्डिंग SS Convent School, दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज टू गिवन नंबर्स।